अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब तक आपने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया। आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें एरिया वैक्टर का पता होना ज़रूरी है। एरिया जिसे आज तक हम एक स्केलर क्वान्टिटी समझते आए हैं, जबकि हकीकत में एरिया एक वैक्टर क्वान्टिटी होती है जिसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो एरिया वैक्टर को समझने के लिए यहां पर मैंने एक्स वाई जी एक्सिस कंसीडर किए, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। उसमें यहां मैंने एक स्केल ड्रा किया जिसकी मैं साइड्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसके कॉर्नर्स को ए बी सी और डी से। तो अगर मुझे कहा जाए कि इस स्केयर का एरिया फाइंड आउट करें तो वो सिंपली इस फार्मूला से फाइंड आउट किया जा सकता है, डैट एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड या लेंथ इनटू विड्थ, जो कि आपके पास ए स्केयर के इक्वल आएगा। लेकिन हम यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसकी अपनी एक डायरेक्शन भी होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इन दो साइड्स को वेक्टर कंसीडर करते हैं। ये जो ए बी साइड है ये एक वेक्टर और बी सी साइड, इसको हमने एक वेक्टर ले लिया और इन दोनों साइड्स की हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। हमें पता है कि जब भी दो वैक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ली जाती है तो नतीजे में हमेशा एक थर्ड वैक्टर क्वान्टिटी आती है जिसकी अपनी डायरेक्शन होती है। तो ये एरिया वेक्टर वो थर्ड क्वांटिटी होगी जिसकी अपनी डायरेक्शन है। तो इसको जब हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, आगे साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। अब यहां पर जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, जो कि आपके पास यहां पर 90 डिग्री आ रहा है। एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है। यहाँ पर जो जी एक्सिस है ये नॉर्मल टू द प्लेन है, या तो वाइट बोर्ड के बाहर की तरफ आउट ऑफ द वाइट बोर्ड या इन टू द वाइट बोर्ड। तो अगर आउट ऑफ द वाइट बोर्ड होगा तो उसके लिए हम एन यूनिट वैक्टर की जगह के यूनिट वैक्टर भी यूज कर सकते हैं, और इन टू द वाइट बोर्ड होगा तो उसके लिए हम माइनस के यूनिट वैक्टर भी यूज कर सकते हैं। तो जब हमने ए बी और बी सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की जो कि दोनों ए के इक्वल हैं, तो आपके पास यहाँ पर स्मॉल ए स्केयर इंटू एन यूनिट वैक्टर आ जाएगा, जिसको हम इस तरह के यूनिट वैक्टर या माइनस के यूनिट वैक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन करेक्ट होगी, ये बाहर वाली या अंदर वाली, दोनों डायरेक्शन ही हम यहाँ पर करेक्ट कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ 2D सरफेस जिसको हम ओपन सरफेस कहते हैं। बोथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर करेक्ट। अब यहां से हमें यह पता चला कि जो वेक्टर एरिया होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। यहां इसको मजीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रा किया जिसका रेडियस हमारे पास है कैपिटल आर, तो जो इसका वेक्टर एरिया आपके पास होगा डैट इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से, या तो हम ऊपर को फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है, तो ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी इसके लिए हम जे यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास जे यूनिट वेक्टर। इसी तरह नीचे वाली डायरेक्शन के लिए हमारे पास पाई आर स्केयर माइनस जे यूनिट वेक्टर, तो दोनों ही करेक्ट होंगे। तो अब हम 3D सरफेस की बात करते हैं जिसको हम क्लोज्ड सरफेस भी कहते हैं, जिनमें मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक क्यूब कंसीडर किया। तो अगर मैं इसकी ये वाली सरफेस की बात करूँ, ये जो ऊपर वाली है, तो यहाँ से दो वेक्टर एरिया पॉसिबल हैं, ये एक ऊपर को और एक नीचे को। तो आपने इसमें सिर्फ ये ऊपर वाला वेक्टर एरिया लेना है, यही अलाउ है, यही इसका रोल है, वही ओनली टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर। इसी तरह अगर मैं इस साइड की बात करूं जो ये इस तरह वाली साइड है, तो इसमें भी जो वेक्टर एरिया होगा सिर्फ हमें ये जो बाहर वाला आउटवर्ड नॉर्मल होगा ये अलाउ होगा। इसी तरह इस साइड पर भी ये वाला वेक्टर एरिया आपके पास अलाउ होगा, और ये नीचे ये वाला वेक्टर एरिया।
तो अगर मैं बात करूं एक सिलेंडर की जो कि एक 3D सरफेस और क्लोज्ड सरफेस है, तो इसमें हमारे पास ये देखें यहाँ पर भी तीन सरफेसेस होती हैं, एक ये ऊपर को, एक ये नीचे को और एक ये जो कर्व सरफेस है। तो अगर मैं ये ऊपर वाली फ्लैट सरफेस की बात करूँ तो इसमें भी हमारे पास दो वैक्टर एरिया अलाउ हैं, एक ये ऊपर को और एक ये नीचे को। तो आपने ये जो नीचे वाला है ये नहीं लेना, आपने ये ऊपर वाला ही जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा ये वैक्टर एरिया कंसिडर करना है। इसी तरह नीचे वाली जो साइड है इस पे जो वेक्टर एरिया होगा ये नीचे को, और ये जो कर्व सरफेस है ये जो इसकी या इसमें ये जो वेक्टर एरिया जो आउटवर्ड नॉर्मल है ये वाला इस तरह से ये आपने कंसीडर करना है। तो आप किसी जगह पर भी ले सकते हैं, ये आपके पास एक वेक्टर एरिया, ये आपके पास एक वेक्टर एरिया आ रहा है। और अगर आप बात करें एक सफेयर की, सफेयर इसमें भी हमने क्या करना है कि नॉर्मल जो हमने बनाना है वो आउटवर्ड नॉर्मल हमने कंसीडर करना है एज अ वेक्टर एरिया, इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, याद रखें कि जो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल होता है वो हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा होता है, तो ये आपके पास अलाउड वैक्टर एरिया होगा। इसी साइड, इसी तरह इस साइड पर भी ये आपके पास अलाउड वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर, इसी तरह इस साइड पर भी ये आपके पास वेक्टर एरिया आ गया। तो 2D के केस में हमने देखा कि हमारे पास बोथ डायरेक्शन वर करेक्ट, आउटवर्ड भी हो सकती है और वो इनवर्ड भी हो सकती है, दोनों करेक्ट होंगे। लेकिन 3D के केस में आपने देखा कि हमने हमेशा जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है उसी को वेक्टर एरिया कंसीडर करना होता है, वी ओनली टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज वेक्टर एरिया। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्लो, बहाव। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक एरिया है, इसमें से अगर मैं पानी को गुजारूंगा तो मेरे पास वो वाटर फ्लक्स होगा, अगर इसी तरह इसमें से मैं हवा को, एयर को गुजारूंगा तो वो एयर फ्लक्स होगा, तो अगर इसमें से मैं इलेक्ट्रिफी लाइन्स को पास करवाऊंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। तो इस डेफिनेशन को देखते हैं, इलेक्ट्रिफी लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि आपके पास एक एरिया है उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली उसमें से पास कर रही हैं, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगी उतना ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। तो पहले हम इन फैक्टर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्म को देखेंगे। तो फैक्टर पहला हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मुराद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डेंसिटी है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक एरिया लिया, सरफेस एरिया, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो तादाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास 6 होगी। इसी एरिया को मैं उठा के अगर यहाँ पर दूर ले जाऊँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम है, तो आप देखें इसमें से 1, 2, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो फिर फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ पर आके 3 हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दूसरी चीज़ है जी सरफेस एरिया। तो अगर आप इन दोनों सरफेस एरिया का कंपैरिजन देखें तो ये एरिया कम है तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी तादाद 6 है, लेकिन जब अगर मैं एरिया को ज़्यादा कर देता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाती है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी आपके पास बढ़ के 7 हो जाएगी। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि डैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तीसरी चीज़ है आपके पास ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कि आपने ये जो सरफेस रखी है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो किस एंगल पर है, आपने मतलब उसको परपेंडिकुलर रखा है, पैरेलल रखा है या किसी और एंगल पर रखा है। तो उसके लिए भी आप इस डायग्राम को ज़रा देखें, जब मैंने इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा तो इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी जिनकी तादाद 6 थी, तो फ्लक्स की वैल्यू भी 6 है। यहाँ पर अगर आप नोट करें इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, जबकि यहां पर पहले ज्यादा थी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। तो अगर मैं इसको टिल्ट करता जाऊं इस सरफेस एरिया को तो आप देखें यहां पर पहुंचने पर इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी तादाद कम हो जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपके पास कम होके 5 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम अगर मैं इन तीनों फैक्टर्स को मिलाएं तो आपके पास ये फार्मूला बनता है ई
डॉट ए, डॉट मतलब कि इसमें हमारे पास एंगल भी इन्वॉल्व है जो कि कॉस थीटा से हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होती है उसके नतीजे में हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो दोनों को अगर मिलाएं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो ये वो तीन केसेस हैं जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये जो फाई होता है ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीक लेटर है। तो केस वन में हम देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होता है। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए। That area should be perpendicular to electric field. लेकिन यहाँ पर एक बहुत important चीज़ कि जिस time आपने यहाँ पर angle put करना है तो perpendicular को ज़ेहन में रखते हुए 90 नहीं put कर देना। यहाँ पर आपने angle vector area और electric field के दरमियान देखना है। तो हमें पता है अगर ये आपके पास surface area है तो इसका जो vector area है वो इससे perpendicular होगा इस direction में। तो वेक्टर एरिया और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। ये रेड लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ब्लू लाइन वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में जो एंगल है वो जीरो डिग्री होता है और कॉस जीरो डिग्री आपके पास वन देता है। तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आता है इस केस में। केस नंबर टू मिनिमम फ्लक्स। अगर आप सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल कर दें तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको पैरेलल करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो ब्लू लाइन है ये वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है और जो रेड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये देखें दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, 90 का एंगल आ गया दोनों में। तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम जब कॉस 90 जो कि जीरो के इक्वल होता है पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन जो एरिया सरफेस एरिया है वो आपके पास पैरेलल होना चाहिए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। आखिरी केस आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ये जो सरफेस एरिया है ना तो परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है बल्कि वो इंक्लाइंड है किसी एंगल पर विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में क्या होगा? हमने क्या करना होता है कि जो एरिया ना इसका वो कंपोनेंट लेना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो एरिया है इसका अगर हम देखें परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है तो वो आपके पास ये वाला कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ पर साइड पर आ रहा है जिसको ए कॉस थीटा कहा जा रहा है। जबकि जो इसका कंपोनेंट पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से जो ए साइन थीटा है उसको हमने नहीं लेना। हमने शुरू में डेफिनेशन में भी बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास करती हैं किससे, एरिया से, वो हमने हमेशा कंसिडर करना है। तो इन सच केसेस टेक कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो इस केस में वो जो कंपोनेंट है एरिया का डेट इज ए कॉस थीटा। तो आपके पास फिर फार्मूला बनेगा जी ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। तो ये तो आज का टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया। मजीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।